यिल्दिज बहुत देर तक जुनैद के वहाँ स्टोरी सोचती है, तो फाइनली वो लोग हैंसल और ग्रेटेल की बुक रीडिंग करने का डिसीजन लेते हैं। घर आके यिल्दिज बहुत टायर्ड हो जाती है और वो डोगन के प्रपोजल को लेके सोचती है। आसमा से कहती है कि जुनैद के वहाँ रहना पड़ रहा है कितनी देर, पर क्या करें, हाली चांद को तभी अच्छा लगता है जब जुनैद और मैं साथ होते हैं। आसमा कहती है कहीं तुम जुनैद की तरफ पिघलने तो नहीं लगी, वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आसमा कहती है बस कर दो, बहुत हो गया अपने प्यार के पीछे भागना, अब उसको मौका दो जो तुम्हें प्यार करता है। यिल्दिज को ये बात सही लगती है, सही कहा, भागो मत किसी के भी पीछे। इधर रात को डोगन को काम करता देख बिनिश भी रुक जाती है और डोगन के लिए डिनर और वाइन ले जाती है। काम करने आते हैं या पार्टी, डोगन मान जाता है खाना खाने के लिए। आलिया का आदमी आलिया को ये खबर दे देता है, आलिया ये खबर हानदान को देती है। हानदान यिल्दिज को अकेला पाके उसके पास जाती है, वहाँ उससे वो कुछ ऑफर करने का बोलती है। यिल्दिज को कोई टेंशन ही नहीं होता, वो इतने बिंदास तरीके से उसे जवाब देती है कि उसे गुस्सा आ जाता है। हानदान उसे कहती है कि डोगन इसलिए तुम्हें पसंद करता है क्योंकि आज तक उसे तहजीबदार औरतें मिली, पहली बार तुम जैसी को उसने चुना। यिल्दिज कहती है इसलिए वो अभी हमेशा खुश दिखते हैं। इसको और गुस्सा आ जाता है और यिल्दिज को वो 10 मिलियन ऑफर करती है डोगन को छोड़ने के लिए। कहती है अपने बच्चे को लेकर बाहरी मुल्क में चली जाओ, कल सुबह ही पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। यिल्दिज कहती है अब क्या कहूँ, मुझे तो पैसे बहुत पसंद है, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन आपको 15 मिलियन देना होगा क्योंकि मुझे अपने अम्मी को भी साथ ले जाना होगा। ठीक है डिस्काउंट दे देती हूँ, 12.5 मिलियन चलेगा, देंगी? हानदान समझ जाती है कि यिल्दिज उसका मजाक उड़ा रही है, वो कहती है पछताओगी तुम। यिल्दिज कहती है दरवाज़ा उधर है, हमारे पास बटलर नहीं है, पर मैं आयशा को भी आपको सी ऑफ करने नहीं भेजूंगी क्योंकि वो भी आपको पसंद नहीं करती। इंसल्टेड हानदान चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि हानदान ने सब रिकॉर्ड कर लिया है यिल्दिज की बातें, वो अपने असिस्टेंट को इसे एडिट करने को कहती है, यानी डोगन के सामने प्रूव करेगी कि यिल्दिज पैसों के लिए डोगन को बेच दी। आसमा यिल्दिज की सारी बातें सुन के कहती है कि देखा सब डोगन के पीछे तब पड़ गए जब उसे प्यार हो गया तुमसे, और तुम हो कि अब भी सोच रही हो। यिल्दिज सोच में पड़ जाती है। वैसे आसमा ये पूछना नहीं भूलती कि कितने पैसे ऑफर किए थे। इधर कुंवर और आमिर आकिफ को कोमल की तरफ अट्रैक्ट होता देख बार बार वार्निंग देते हैं। ऑलरेडी कोमल का पागलपन लोगों को तकलीफ देता है, ऊपर से डोगन और उसका डैड दुश्मन है, पर आकिफ डजंट केयर। वैसे उन्होंने कोमल की माजी उसे बताई नहीं, बस वार्निंग दिया है। बिनिश डोगन को कहती है धीरे धीरे डेली हम डिनर करेंगे ऐसे, क्योंकि मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए पर्सनल लाइफ में। मेरे अतराफ में तुम्हारी तरह हैंडसम समझदार दिल वाला इंसान है ही नहीं, मुझे तुम जैसा कोई चाहिए। इस दौरान डोगन को समझ आने लगा है कि बिनिश के दिल में क्या चल रहा है। वो कहता है हाँ ज़रूर, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। ओ शिट, बिनिश जल्दी से बात बदल के डोगन के फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के बारे में बोलने लग जाती है। फाइनली डोगन का टाइम वेस्ट करके चली जाती है। डोगन को डेफिनेटली समझ आ गया है कि क्या चल रहा है। सुबह बिनिश कोमल के रेस्टोरेंट में जाती है मिलने, उसको कोमल निकालने लगती है, कहती है क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से हुआ सब, अब इतने दिनों बाद मेरी याद आई। बिनिश कहती है मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। वो कहती है किसने कहा भला चाहने को, किसने कहा मेरी चीज़ों में टांग अड़ाने को, जुनैद को तुम ना बताती तो ये सब नहीं होता, अब निकलो यहाँ से। बिनिश अपसेट होकर चली जाती है। आलिया को बाहर मीडिया घेर लेती है ये कहने के लिए कि 7 मार्च को आप लोग शादी करने वाले थे, पर 7 मार्च तो आ ही गया, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की, दोनों में मसले आ गए हैं क्या? आलिया कहती है हमने डिले करके गर्मियों में शादी करने का सोचा है, और वहाँ से जल्दी भाग जाती है जुनैद को ये सब बताने के लिए। ब्रेकफास्ट के वक्त आयशा आके कहती है पुलिस आई है। यिल्दिज पुलिस का नाम सुनते ही टेबल से उठते हुए डरने लगती है, क्यों पता है ना, वो आज तक भूल नहीं पाई वो रात। एनीवेज साइबर पुलिस आई है, उन्होंने आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया उसका जिसने यिल्दिज को डेथ थ्रेट दिया था, गए काम से। पुलिस कहती है इसी घर से है कोई, इनके एक्सप्रेशंस देखो। आसमा कहती है आयशा तुमने किया क्या? डोगन पुलिस को स्टडी रूम में ले जाकर बात करती है। तब आसमा और यिल्दिज डरते हुए सोचते हैं क्या करें। आसमा कहती है आयशा का नाम ले ले। यिल्दिज कहती है नहीं वरना उसे निकाल देंगे। कैसे लोग हैं यार, आयशा जान देने को राजी है इन लोगों के लिए और ये लोग उसी पे सारे इल्ज़ाम लगाने का सोच रहे थे। एनीवेज फाइनली डोगन बाहर आकर यिल्दिज से कहते हैं कि आसमा के मोबाइल से कमेंट किया गया है। यिल्दिज कहती है दरअसल अम्मी का मोबाइल हाली चांद के पास था। डोगन पूछते हैं हाली चांद ने लिखा ऐसा? यिल्दिज कहती है नहीं, अम्मी एक लेडी को नापसंद करती है इसलिए उसके बारे में नोट्स में भला बुरा लिखी थी और हाली चांद ने गलती से कॉपी पेस्ट करके कमेंट कर दिया। सीरियसली, गलती से एक 2 साल का बच्चा ठीक धमकी वाला नोट कॉपी करके फेक अकाउंट में जाके यिल्दिज का पोस्ट ढूंढ के उसमें कमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया। मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है। डोगन मान जाता है और पुलिस को भेज देता है। यिल्दिज सोचती है कि इनको भी पता है कि ये झूठ है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने अच्छे और यूनिक आदमी है। सही में हाली तोता तो यिल्दिज का कीमा बना देता। आलिया बिनिश को बुलाकर गॉसिप करती है कि कल रात रोमांटिक डिनर किया ना तुमने डोगन के साथ। बिनिश हैरान हो जाती है। आलिया कहती है मैंने डोगन और जतिन को बोलते हुए सुना। बिनिश कहती है
अगर आपको लगता है कि हमारे बीच कुछ है तो आप गलत है। आलिया कहती है नो 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 नो, लगता नहीं, यकीन है, कोई भी देखता है तुम दोनों को तो उन्हें तुम लोगों की केमिस्ट्री साफ दिखती है। बिनिश ब्लश करती है, कहती है पर डोगन शादीशुदा है। आलिया कहती है शादी कुछ दिनों में खत्म होने वाली है, यिल्डिज अभी तक जुनैद को चाहती है और डोगन तुमसे अट्रैक्ट होने लगा है और डोगन ने आज तक रात तक रुक के किसी के साथ खाना नहीं खाया। बिनिश कहती है सच में ऐसा कुछ नहीं है। आलिया कहती है मैंने खुद जतिन से सुना डोगन तुम्हें बहुत चाहता है पर कोमल की फ्रेंड हो इसलिए इज्जत बचाने के खातिर ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा, सोचो वो तुम्हें कितना खुश रख सकता है, इसे रोको मत। बिनिश जाने लगती है तो आलिया कहती है मैं भी डोगन की इस चॉइस से सहमत हूँ। बिनिश खुशी खुशी डोगन के पास भागती है और आलिया हंसती है कि कैसे बुद्धू बन गई वो। लेकिन उससे पहले डोगन से ये मिलने आती है, अरे ये तो ब्लैक मूवी की एक्ट्रेस है ना, ओ अच्छा हानदान है यार, फैशन करो पर पहचान में भी आया करो। हानदान डोगन को यिल्डिज का बताती है कि कैसे उसने डोगन को 10 मिलियन में बेच दिया। प्रूफ के तौर पर रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें बस वही पार्ट है जहां यिल्डिज ने ऑफर मान लिया था। डोगन कहता है कि तुम्हारी नीच हरकतें अभी तक गई नहीं, मुझे यिल्डिज का पता है ऑलरेडी। और फिर डोगन उसे पूरा रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से सुनाता है जिसमें यिल्डिज की पूरी बात रिकॉर्डेड है, यानी यिल्डिज ने कैसे हानदान को इंसल्ट करके भगाया था। डोगन कहते हैं तुम हमेशा गिरी हुई ही रहोगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यिल्डिज ने भी हानदान के साथ जो भी बातें हुई सब रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में डोगन को सब बता के उसे रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी थी। प्रेजेंट में डोगन पूछते हैं कि कोमल के साथ भी तुमने ऐसा ही गेम खेला है ना। हानदान कहती है मेरी बेटी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई उसके साथ बुरा करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। डोगन कहते हैं इसलिए तो तुमने उसे दूर रखा है सैवेज, क्योंकि कोमल के साथ सिर्फ उसकी अम्मी ही बुरा कर सकती है, ऐसी अम्मी किसी की भी ना हो। आलिया यिल्डिज को कॉल करके कहती है कि आजकल डोगन बहुत खुश रहने लगा है, तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है क्या, यानी हिंट दे रही है कि डोगन का चक्कर है कहीं और। यिल्डिज से कहती है हमेशा तुम्हारे किस्मत में प्लेबॉय ही आता है। यिल्डिज कहती है नहीं है ऐसा आलिया, फोन काट देती है। यिल्डिज हाली चांद के वहाँ जुनैद के साथ हैंसल और ग्रेटल बन के परफॉर्म करते हैं और यिल्डिज ने जुनैद के लिए भी कॉस्ट्यूम लाया हुआ है। वाओ कॉस्ट्यूम अच्छा है, टीचर भी तारीफ करती है। कापलान के पेरेंट्स को यिल्डिज और जुनैद ठीक वैसे ही ताने मारते हैं जैसे वो लोग उन्हें मार रहे थे। कहते हैं हम अपने बच्चे का होमवर्क खुद करवाते हैं, साथ जबाने सिखाने के लिए पराए नैनीज के पास नहीं छोड़ते। फिर वो लोग परफॉर्म करते हैं। बाद में आसमा को यिल्डिज बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो डोगन को हाँ कर देगी रिलेशनशिप के लिए। वो डोगन के पास जाने लगती है। इधर बिनिश डोगन के पास आई है, कहती है आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद तुम्हें बार बार देख के मुझे कुछ हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा बोल के पास आ जाती है डोगन के। डोगन उससे दूर जाता है पर बिनिश और पास आके उसे किस कर लेती है। ये उर्दू वन में ज़रूर कट कर देंगे। उसी वक्त यिल्डिज आके ये सीन देख लेती है। यिल्डिज को गुस्सा आता है और डोगन डर जाता है। एपिसोड ख़त्म, लेकिन मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी। यिल्डिज गुस्सा होकर कहती है सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए और जाने लगती है। डोगन यिल्डिज को रोकता है और समझाने लगता है। यिल्डिज कहती है मुझे बात नहीं करनी, बाद में बात करेंगे बोल के चली जाती है। आलिया चुपके से देखती है। डोगन गुस्से में मैरिज के पास जाके पूछता है क्या किया तुमने ये, हाँ क्या किया। मैरिज कहती है मैं, डोगन पूछता है तुम क्या, हाँ अब मैं क्या समझाऊँ उसे। मैरिज कहती है मुझे लगा हम दोनों की सोच एक जैसी है, तुमने ही तो कहा था। डोगन पूछता है कब कहा था, कल रात के डिनर से ही तुमने ये सब सोच लिया। मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और किसी और के साथ रिश्ता रखने का सोच भी नहीं सकता, स्पेशली तुमसे, कोमल की दोस्त हो तुम, सोच भी कैसे लिया, अब जाओ यहाँ से। बिनिश रोते हुए जाने लगती है। बड़ी आई थी शादीशुदा आदमी से सोच मिलाने को, इनकी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सिंगल लड़का पसंद नहीं आता, हमेशा कोई अंकल कोई दादाजी किसी का शौहर किसी का ये वो, यही लोग पसंद आते हैं इनको। ओके अब वीडियो ख़त्म।